नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यदेश न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर पुलिस प्रशासन की कवायद लगातार जारी है। लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस विभाग को जहां जन सहयोग मिल रहा है, वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस महकमा सख्ती के साथ भी निपट रहा है। जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अब तक 1000 से ज्यादा मामले दर्ज कर चुकी है, जबकि लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन न करने और बेवजह सड़कों पर घूमने के मामले में पुलिस ने 6700 से ज्यादा वाहनों का चालान भी किया है। बगैर किसी काम के घर से निकलने वाले 600 गाड़ियों को भी पुलिस अब तक सीज कर चुकी है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने जिले में 2.5 लाख रुपए जुर्माना वसूलने के साथ साथ 12 लाख रुपए का ई चालान भी किया है। पुलिस का दावा है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के पालन के लिए कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। लॉकडाउन में एक तो जनता का पर्याप्त सहयोग मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उल्लंघन किया। तो जनपद में कुल 1072 अब तक अभियोग उल्लंघन के पंजीकृत हो चुके हैं, और इसमें लगभग 6700 वाहन सीज किए गए हैं, 2.5 लाख से ऊपर जुर्माना वसूला गया है, और इसके अलावा ई चालान लगभग 12 लाख का हुआ है, और कुल 600 वाहन लगभग सीज किए गए हैं। और इस जनपद में पूरे को हमने सील करने के उद्देश्य से 84 बैरियर बनाए थे, जिसमें 6 अंतर राज्यीय और शेष अंतर जनपदीय बैरियर हैं। इन बैरियर पे 3 शिफ्ट में लगातार ड्यूटी चल रही है, और लगातार जो शासन के निर्देश हैं उसके तहत ही लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। यानी जो गुड्स के वाहन हैं या जो पास वाले वाहन हैं या जो इमरजेंसी सर्विसेज के वाहन हैं, उसके अलावा और किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। बाहर घूमोगे तो आ जाओगे, तो दोबारा